अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मैं हूँ गुलाम रसूल। हम आज की वीडियो में बात करेंगे विमेन इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग एंड रिहैबिलिटेशन साइंसेज एबटाबाद के फॉल एडमिशन 2023 के बारे में। डियर स्टूडेंट, आपको विमेन इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग एंड रिहैबिलिटेशन साइंस एबटाबाद के बारे में बताते चलें तो ये एक प्राइवेट सेक्टर इंस्टीट्यूट है जिसने अपने DPT फॉर्म डी, BS नर्सिंग, BS साइकोलॉजी के अंदर जो अपने एडमिशन है वो स्टार्ट कर दिए हैं। और अगर आप इस यूनिवर्सिटी के बारे में, इस इदारे के बारे में मज़ीद इंफॉर्मेशन हासिल करना चाहते हैं, इनका फ़ी पैकेज क्या है, अप्लाई कैसे करना है, या इदारे के बारे में मज़ीद डिटेल, नंबर ऑफ सीट्स, तो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में विमेन इंस्टीट्यूट ऑफ लर्निंग एंड रिहैबिलिटेशन साइंस का लिंक्स इनके मिल जाएंगे, जिस पर क्लिक करके आप मज़ीद इंफॉर्मेशन जो सी वो आप गेट कर सकते हैं। अब इसमें जो ऑफर होने वाले डिग्रीज प्रोग्राम है, जिसमें सबसे पहले फॉर्म डी डॉक्टर ऑफ फार्मेसी, ये 5 साल डिग्री प्रोग्राम है डी एस एन, इसमें अप्लाई करने के लिए आपके FSC प्री मेडिकल में कम अज़ कम 60% आपके नंबर होने ज़रूरी हैं। 60% नंबर के बाद आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। और उसके बाद है DSN DPT डॉक्टर ऑफ फिज़िकल थेरेपी। डॉक्टर ऑफ फिज़िकल थेरेपी में एडमिशन के लिए DSN आपका FSC प्री मेडिकल होना ज़रूरी है, और ये इदारा अपना एंटी टेस्ट जो है वो भी कंडक्ट करेगा। और तीसरे नंबर पे है BS नर्सिंग, जेनेरिक नर्सिंग, ये 4 साल डिग्री प्रोग्राम है, इसमें अप्लाई करने के लिए DSN आपका FSC प्री मेडिकल में 50 से 60% नंबर होने ज़रूरी हैं, और एज लिमिट मैक्सिमम 30 साल हो, और उसके बाद आपका एंटी टेस्ट जोन है वो भी क्लियर होना ज़रूरी है। और उसके बाद DSN पोस्ट RN मीन्स पोस्ट नर्सिंग की बात करें तो आप उसमें भी अप्लाई करने के लिए एलिजिबल हैं, जिसमें डिप्लोमा ऑफ जनरल नर्सिंग आ जाता है 3 ईयर्स, और उसके बाद एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मीन्स पोस्ट RN में अगर आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं, पोस्ट RN 2 साल डिग्री प्रोग्राम आ जाता है, इसमें एडमिशन के लिए जो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, डिप्लोमा इन जनरल नर्सिंग 3 साल का ये आपका होना ज़रूरी है मिनिमम सेकंड डिवीज़न के साथ, और उसके बाद डिप्लोमा इन मिडवाइफरी आपका अगर 1 ईयर का किया हो तो उसके बाद भी आप अप्लाई कर सकते हैं, और मैट्रिक विद साइंस के बाद आप अप्लाई कर सकते हैं, और आपकी रजिस्ट्रेशन जो सी है, ये जो तमाम आपको ये डिप्लोमे बताएं किसी रजिस्टर्ड इदारे से आपके होने ज़रूरी हैं। और उसके बाद है BS साइकोलॉजी। BS साइकोलॉजी में एडमिशन लेने के लिए आपका इंटरमीडिएट होना ज़रूरी है, खास किसी भी डिसिप्लिन में हो, और आपके मिनिमम 45% नंबर हो तो आप इसमें अप्लाई करने के लिए एलिजिबल होंगे। ये जितने डिग्रीज प्रोग्राम आपको बताएं DPT फॉर्म डी, BS नर्सिंग, BS साइकोलॉजी वगैरह, इन तमाम पर ऑलरेडी वीडियोज़ बड़ी डिटेल के साथ इस चैनल पर अपलोड हो चुके हैं, जिसमें चंद वीडियोज़ के जो लिंक्स हैं वो आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, जिस पर क्लिक करके आप इनका जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से लेके इनका स्कोप, एम्प्लॉयमेंट एरिया, सैलरी पैकेज वगैरह तमाम आप जान सकते हैं। तो बाकी डियर स्टूडेंट्स, आप इस इदारे के बारे में, विमेन इंस्टीट्यूट के बारे में मज़ीद इंफॉर्मेशन हासिल करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक्स मिल जाएंगे, जिस पर क्लिक करके आप मज़ीद इंफॉर्मेशन गेट कर सकते हैं। अप्लाई करने का तरीका, फी स्ट्रक्चर, नंबर ऑफ सीट्स वगैरह तमाम जान पाएंगे। उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आप स्टूडेंट को अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फी अमानिल्लाह।